नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले में शनिवार और रविवार के लॉकडाउन में खगा उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह और अधिशासी अधिकारी लालचंद्र मौर्य फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा खगा नगर को सैनिटाइजर छिड़काव किया गया। और वहीं आज फतेहपुर जिले में 24 कोरोना मरीजों के मिलने से जिले में 518 टोटल मरीज, जिसमें ठीक 300 हुए और अभी 207 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर जल्द अच्छे होकर अपने घरों को वापस जाएंगे। आप लोगों को बताते चलें कि खगा फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 27 वर्षों से यही गाड़ी चल रही है, जो बंद होने के बाद धक्का लगाना पड़ता है। ऐसे में अगर कहीं आग लगी हो तो कहां से 10-12 लोग मिलेंगे जो धक्का लगाने के लिए। ऐसे में तो विभाग को गाड़ी नई रखने की जरूरत है। आइए उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह की सुनी जुबानी क्या कह रहे हैं। एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो, संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर। तो सबसे अच्छा ये है कि अपने घर द्वार को साफ रखो, तुम लोग की जिम्मेदारी है, सब काम समझाओ पढ़े लिखे लड़के। ये नीम के पत्ती का रोज शाम को धुआं करो, अपने घर में भी करो, कमरों में और बाहर भी करो, ठीक है। और गले में खराश होने ही मत दो, काली मिर्च और ये कुछ ना करो। मैं तो कहता हूँ, अभी तक किसी ने बताया नहीं, तुम केवल नीम की पत्ती लेना और सवेरे पी जाओ घोर घोर पीस पीस के, समझ रहे हो कि नहीं। फ्री की दवा है तुम्हारे पास ही, नीम का पत्ता उसी भट्टे पे पीसो और पियो।